शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील के लायगवान ग्राम के रहने वाले तथा भारतीय सेना में कार्यरत दो कोबरा कमांडो ने हाल ही में तहसीलदार कार्यालय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छुट्टी में आए घर आने वाले भारतीय सैनिकों को सरकारी कार्यालय और बैंक में तरजीह देने की मांग की गई है। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के सिपाही अपने घर और अपनों से दूर रहकर देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। यही वजह है कि हमें एक भारतीय होने के नाते इन जाबाज जवानों पे गर्व महसूस होता है। जब कोई सेना का जवान अपने घर कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके आते हैं, तब वो चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा समय अपनों के बीच बीते। लेकिन ऐसे जब उसे किसी सरकारी काम के लिए या पैसों से जुड़े किसी व्यवहार के लिए जब भी सरकारी कार्यालय या बैंकों में जाना होता है, तब वह किसी आम इंसान की तरह ही घंटों कतार में खड़े रहकर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस परेशानी से बेजार होकर डिग्रस तहसील के लायगवान ग्राम निवासी कोबरा कमांडो गौतम धवने और सुरेश इन्होंने हाल ही में डिग्रस तहसीलदार के मार्फत जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छुट्टियों में घर आए भारतीय सेना के जवानों को हर सरकारी कार्यालय और बैंकों में विशेष सहूलियत दी जाए, ऐसी मांग की गई है। इस दौरान बैंकों या सरकारी कार्यालयों में अलग से एक जवानों के लिए कतार की व्यवस्था हो और सूचना फलक लगाने की विनती भी की गई है। मी भारतीय सैनिक मधी तैनात आहो। आम्ही तहसीलदार साहेबांमार्फत माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले। निवेदन असे दिले की यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जेवढे भारतीय सैनिक अर्धसैनिक बल हे कार्यरत आहेत, त्यांना बँकमध्ये निमशासकीय शासकीय कार्यालयामध्ये असे फलक लावणे द्यावे, सैनिकासाठी प्रथम प्राधान्य म्हणून। आम्ही वर्षामधून फक्त 2 महिने सुट्टीवर होतो, आमची जे रखडलेले जे कामं राहतात ते होऊ शकत नाही, म्हणून माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांनी असे एक फलक लावण्यात यावे, कार्यालयामध्ये सैनिकासाठी प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, म्हणून आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिले। डिग्रस तहसील के इन कोबरा कमांडो की मांग बेहद लाजमी है, जिस पर स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को गौर करना जरूरी है। मालूम हो कि झारखंड राज्य के कई जिलों के कलेक्टर ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाकर भारतीय जवानों को सहयोग दिया है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत में देश की जनता से एक अपील की थी, जिसमें जहां कहीं भी भारतीय जवान नजर आए तो उन्हें सैल्यूट कर उनके प्रति आदर दिखाने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित किया था। इसी तर्ज पर अगर देश के हर तहसील और जिले में सरकारी कार्यालय और बैंकों में उपरोक्त मांग के तहत जवानों को तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि देश का जवान जब भी किसी काम के लिए कार्यालय बैंकों में जाए तो वहां उस पर चक्कर काटने और घंटों कतार में खड़े रहने की नौबत ना आए। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।